कटिंग तो देख लेना, ये इधर से कटिंग है, इधर से कटिंग है, वीआईपी कटिंग हो। खोता कटिंग की करा दे, मोती गोल करा दे यार, इतना अलग गजरा कटिंग है, इससे अच्छी उम्र भाई। खोता कटिंग है, खोता कटिंग है। के नाम है बावल एक्सप्रेस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो कैसे हैं आप सब दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत होंगे। मेरा नाम है राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के भाई व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे को ऑल पे कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज के नए और मजेदार व्लॉग। हेलो दोस्तों, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है और सुबह एक मैंने जैसे मैंने पहले क्लिप एक ऐड किया, उस क्लिप में हम जा रहे थे करोड़पक्का। इसलिए गए थे, मिठू भाई के कपड़े शपड़े वहाँ पे सिलाई दिए हुए थे दर्जी को, वहाँ से कपड़े वगैरह उठाए और उसके बाद जिस सीधा जैसे हम घर लौटे हैं और घर से सीधा दुनियापुर की तैयारी होगी, क्योंकि मिठू भाई को जाना था अब जहाँ पे वो काम शाम करते हैं। क्या काम करते हैं आप दोस्त, काफ़ी कुछ दोस्तों को तो पता है जो वीडियो वगैरह देखते हैं, कुछ को नहीं पता। चलो मैं बता देता हूँ, वो माशाल्लाह एयरफोर्स में और उसकी छुट्टियाँ, कुछ छुट्टियाँ आया था, वो छुट्टियाँ हो चुकी हैं ख़त्म, वो चला गया वापस। उसको छोड़ने के लिए गए थे तो उसको छोड़ के दुनियापुर छोड़ के सीधा आ चुके हैं घर वापस। और नासिर भाई ने गोश्त वगैरह लिए रस्ते में, और ये मिठू भाई का बाइक है, गोश्त ये सामने रहा, मिठू भाई का बाइक है और इस बाइक को पहुँचाते हैं मिठू भाई के घर। और उसके बाद अब बारी है, आज माशाल्लाह मेरा रोज़ है, नासिर भाई का भी रोज़ है। और अब चलते हैं घर के एक दो काम शाम देखते हैं। सुबह से निकले अभी इधर, कोई घर के काम शाम नहीं किए, घर चलते हैं देखते हैं क्या सिचुएशन है, घर वाले दोबारा आप निकलने देते नहीं निकलने देते। और उसके बाद दो तीन दिन हो गए, मैं यही सोच रहा था बाल शाल बनवाने थे, और चलते हैं घर की सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद फिर सीधा निकलते हैं, हेयर कट कराते हैं, देखते हैं हेयर कट होते हैं नहीं होते, उससे पहले बाइक पहुँचाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। चलो मिठू भाई का बाइक को स्टार्ट करते हैं, चेक करना कैसी आवाज़ उसकी। यहाँ से चाबी को ऑन किया और यहाँ से ये सामने सेल्फ वाला बटन है, लाइट ऑन है, ऑफ कर देते हैं। अब देखना सिर्फ सेल्फ वाले बटन को दबा के हल्की सी रेस को प्रेस करना है। स्टार्ट हो गया, हल्की सी रेस देते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी ड्राइव है इसकी, बहुत ही मजा आता है इसको चलाने में, धक्कों में तो बिल्कुल फील ही नहीं होता, धक्के लग रहे हैं ऐसे ऐसे जैसे होंडा स्विक पे बैठ गए हम, कार फील करा, कार जैसा फील होता है। इसके गियर भी सारे पीछे लगते हैं, बस ज्यादा नहीं, इसको एक दो मरतबा ठोका है, उसके अलावा दोबारा नहीं ठोका है, उसके बाद फिर घर वालों ने मिठू भाई को ठोका है। तो फाइनली दोस्तों मिठू भाई का बाइक देने के बाद सीधा आ गए थे मैं घर। और एक चीज आप दोस्तों पूछना भूल गया कि मिठू भाई का बाइक आप दोस्तों कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और एक और बात, अभी पहुंचा हूँ घर और तकरीबन टाइम है डेढ़ का दो के लगभग टाइम है और अभी भी घर पहुंचा हूँ, और एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ गया। परेशानी ये है कि मैं सुबह मैंने घास वगैरह नहीं काटा था, छोटा भाई घर पे था और उसने भी नहीं काटा और वो घर पे भी मौजूद नहीं है, पता नहीं किधर चला गया है। और आज इतवार का दिन है, सारे गाँव के लड़कों की छुट्टी, अब मुझे लगता है उनके साथ कहीं घूम फिर रहा होगा और घास वगैरह काट नहीं है। और आज मेरा रोज़ है, रोज़े के बावजूद अब मैं दराती कपड़ा उठा लिया और ये साथ में दराती कपड़ा और कपड़े शपड़े भी मैंने चेंज कर लिए, और ये मेरे वही प्रोफेशनल शूज़ फटे पुराने VIP प्रोफेशनल शूज मेरे आ चुके हैं, पहन लिए मैंने और घास वगैरह में आ गए हम काटने। अब जल्दी जल्दी घास वगैरह काटता हूँ, वो धूप बहुत ज़्यादा है, बस दोस्तों के चक्कर में अब आज धूप में घास काटना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर मैं मिठू भाई को छोड़ने ना जाता मैं सुबह सुबह घास वगैरह यहाँ पे काट लेता, सुबह सुबह छोड़ने चला गया था इस वजह से घास वगैरह नहीं काट सका। अब क्या करें, काटना पड़ेगा धूप में। तो फाइनली काफ़ी देर की मशक्कत के बाद मैंने जितना मुझसे हो सकता तकरीबन डेढ़ एक थबा होगा जितना मुझसे हो सकता मैंने लिया घास वगैरह लिया है काट। और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं जब घर से दराती कपड़ा उठा के आ रहा था घास वगैरह काटने के लिए, अम्मी जान ने रोका था, अभी नहीं जाओ, तुम लेट जाओ, तुम्हारा रोज़ है, छोटा भाई आएगा काट लेगा घास, तुम नहीं जाओ। लेकिन अबू जान लेटे हुए थे और उसके जब वो उठता, उसका भी माशाल्लाह रोज़ है, जब वो उठता उनको पता चलता कि घास वगैरह नहीं काटा हुआ तो वो गुस्सा हो जाता, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जितना मुझसे हो सका मैं काट लूँगा, इसलिए तकरीबन मैंने डेढ़ एक थब्बा लिया काट। अब बारी जस्टिस को उठा के घर जाने की, चलता हूँ इसको उठा के घर, और बाकी जो बचा कुटा होगा वो छोटा भाई शाम को काट लेगा।
तो फाइनली दोस्तों घास वगैरह घर पहुंचाने के बाद मैं बाइक से खींच के अब जा रहा हूँ मैं अड्डे पे। अड्डे पे बस मैं पहुंचने वाला हूँ और अड्डे पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बाल शाल कटवाने, कल भी बाल कटवाने आया था लेकिन नहीं कटा सका। अब फिर से जा रहा हूँ और मैंने सर भी धो लिए, सर इसलिए धो लिए क्योंकि मेरे बाल हो गए थे चिपचिपे, मिट्टी वगैरह घुस गई थी बालों में इसलिए चिपचिपे हो गए थे। ये नो फिर मैं नाई के पास जाऊं और वो उसमें कैंची मारे और कैंची टूट के नीचे गिर जाए। इस नौबत से बचने के लिए मैंने सब पहले बाल शाल धो लिए और अब जा रहा हूँ सीधा अड्डे पे, चलते बाल शाल कटवाते हैं फिर बाकी काम देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी भी उठो, तकरीबन टाइम हो चुका है तकरीबन रोजा खोलने में ये कोई 20 मिनट बाकी है। जब मैं यहाँ से घास वगैरह काटने के बाद जैसे मैं अड्डे पे गया था बाल शाल कटवाने और दोपहर को टाइम था, यहाँ पे गर्मी का टाइम था, घास वगैरह काटा था, तभी शबीत हो गई थी थोड़ी सी खराब। और जब अड्डे पे गया था तो वहाँ पे जब बाल शाल बनवाने के लिए बैठा और मुझे नींद आने लगी क्योंकि मैं रात गया था, रात मेले पे गए थे, मेले पे घूमते रहे, मेले का था काफी बहुत ज्यादा जगारा और जगारे की वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं की। वहां से जैसे मैं घर वापस लौटा और मोबाइल को चार्जिंग लगा के थोड़ा सा चार पे लेटा हूँ और अभी अभी आँख खुली है तो मुझे कोई पता नहीं है कब सोया और कब उठाऊं, अभी उठाऊं ये पता है मुझे। ठीक है मुझे नहीं पता, उसको मैंने बोल दिया इस तरह के बाल शाल काट दो, उसने बाल शाल काटे हैं चेक करना। घर वाले तो बता मेरी खूब अच्छे से बेइज्जती शेस्ती कर रहे हैं और दोस्त वगैरह भी कर रहे हैं क्या कैसे कटवा के आ गए, किस तरह कटवा के आ गए, मुझे खुद नहीं पता किस तरह कटवा के आ गया। तो आप दोस्त कमेंट में बताना किस तरह कटे हुए हैं भैया, ज्यादा दूर तक थोड़े से कटे हुए हैं, ईद तक इंशाल्लाह थोड़े से लेवल में हो जाएंगे फिर कोई मसला मसायल नहीं होगा। अभी ज्यादा कुछ थोड़े से अजीब वगैरह लग रहे हैं, अभी अभी ताज़े ताज़े कटे हैं तो थोड़े से अजीब लग रहे हैं, जब ये ईद का टाइम आ जाएगा फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, फिर ठीक ठाक हो जाए, फिर कोई मसले मसायल नहीं है। आप दोस्तों को मेरे हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अब चलता हूँ नहर पे, थोड़े से दोस्त वगैरह दप्पी शप्पी खेल रहे हैं उनकी कोई थोड़ी सी दप्पी शप्पी देखते हैं, उसके बाद सीधा फिर रोज़े का अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, फिर मस्जिद पाक में इंशाल्लाह रोज़े के रोज़ा अफ्तार करेंगे और नमाज शमाज पढ़ेंगे। तो फाइनली दोस्तों रोज़े का टाइम हो गया था, अफ्तारी का टाइम हो गया था, अफ्तारी कर ली थी माशाल्लाह, थोड़ा सा मिला था लेकिन थोड़ा सा गुजारा हो गया था। अब घर जा रहा था, नासर भाई ने बुलाया आ जाओ कुछ खा लेते हैं, पता नहीं क्या लाया घर से लाया, देखते हैं क्या लाया, क्या चीज़ है तेरे को पता है क्या है, इसको खुद भी नहीं पता, चलो टेस्ट करके बताते हैं क्या चीज़ है। बाकी घर चलते हैं, घर से भी कुछ थोड़ी बहुत ही खाते हैं, थोड़ी सी भूख लगी हुई है, बस थोड़ा सा मिला था आज मस्जिद में, इतना खास नहीं था, टेस्ट करते हैं है क्या चीज़। तूने तो खा तो नहीं लिया, पहला पहल दिया तुमने, आओ काम को पहल दिया है, मैं सारा पहल दूँ, यू है यार के यू के गुलदार है टिक्की है। टेस्टी है भाई, पता नहीं क्या है पर टेस्टी है। अच्छा अभी भी शामी खाई है और शामी खाने के बाद जैसे मैं घर गया फ्रिज में पानी पीने के लिए, जैसे मैंने फ्रिज खोला के देखा तो दही बल्ले रखे थे, तो वो मैं दही बल्ले चोरी करके उठा के यहाँ पे आ गया हूँ। ये रहे दही बल्ले, थोड़े से हैं नासिर भाई और मैं, हम दोनों चोरी चोरी बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं, इधर चोरी चोरी बैठे हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम किधर बैठे हैं। ठीक है चलो इसे टेस्ट करते हैं कैसे है। नॉर्मल है, इतने खास मजेदार नहीं है, बाकी गुजारा हो रहा है। तो फाइनल दोस्तों रात का टाइम हो चुका है और आ गए हैं रोड पे, ये सामने रोड है मुझे नजर आ रहा है, आप दोस्तों को आए ना आए मुझे तो नजर आ रहा है और मैं रोड पे आ चुका हूँ। जो मैंने दिन में इतने पैसे लगवा के तीन दिन लगातार मैं दुकान पे जाता रहा, चक्कर लगाता रहा, बड़ी मुश्किल में बाद एक प्यारी सी कटिंग कराई थी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी कटिंग है लेकिन ये मेरे जो मेरे पास जो जितने भी मेरे दोस्त वगैरह इकट्ठे हो चुके हैं, जिसमें काफी सारे दोस्त इकट्ठे हो चुके हैं, इनकी राय पूछते हैं इनको मेरी कटिंग कैसे लगी। कटिंग तो देख लेना, ये इधर से कटिंग है, इधर से कटिंग है, वीआईपी कटिंग, खोता कटिंग की करा दे मोती गोल करा दे यार, इतनी तुझे पता नहीं इस कटिंग की इतनी प्यारी कटिंग हुई हुई है, तू मेरी गोल करा दे, मोची पे नहीं हुई, मोची तो करा दिया है यार, रसूल मोची यार, इतनी प्यारी कटिंग है, चलो बताएं किस तरह की कटिंग है। खोता कटिंग लग रही है भाई, बिल्कुल ये गदड़ा कटिंग है और बहुत आला गदड़ा कटिंग है, इससे उम्र भाई खोता कटिंग है, खोता कटिंग है, जाहिर है कोता कटिंग क्या होता किसी लगी कटिंग भाई, यहाँ पेंडुओं पे नहीं फलती फलती, बिल्कुल ये बर्गर बच्चे कटवा सकते, उम्र क्या होता है, उम्र के विचार लेते हैं इधर, उम्र भाई के विचार लेते, उम्र भाई के विचार बताएं क्या, बता दे क्या आपको मेरी हेयर कटिंग कैसी लगी आपको,
मुझे तो खोता कटिंग लगी है। आप अपने जैसे विचार दे दिए इसने खुद को खुद ने। मेरी आपसे अच्छी कटिंग है, चेक कर लें। लाल तो चलो दोस्तों ने मेरी बहुत सारी बेइज्जती कर दी है, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये गंदा कटिंग है। चलो खैर छोड़े, इस तरह की छोटी मोटी इंसल्ट वगैरह होती रहती है। अब चलते हैं, सारे जितने भी हमारे दोस्त हैं ये इकट्ठे हो चुके हैं, ये सारे शैतानी टाइप दोस्त हैं। अब कोई छोटी मोटी शैतानी करने जा रहे हैं, देखते हैं शैतानी में पास होते हैं नहीं होते। चलो चलो लेट्स गो रेडी एंड एक तो तेरी ऐनक लगी हुई, तेरी ऐनक उतार दी शैतानी करके, फिर तू तू किधर फिरेगा, तेरी ऐनक उतार ली फिर ये बोला तो फाइनली दोस्तों दोस्तों के साथ इंटरटेन शुगल मेला करने के बाद आ चुका हूँ घर। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे हेयर स्टाइल कैसे लगा आप दोस्तों को। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।